हेलो फ्रेंड, दिस इज सूरज अडविक। स्वागत करता हूँ अपने चैनल फिर जॉब में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना के MR पोस्ट के बारे में। इसके एडमिट कार्ड के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि एडमिट कार्ड आखिर क्यों नहीं इशू किए गए। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स कि क्या धांधली हुई है नेवी में। कई लोगों ने कहा सर धांधली है, पूरा सरासर नाइंसाफी है, एडमिट कार्ड इतना हाई परसेंट होने के बाद भी नहीं आए। क्या है हकीकत इस बात के, इस क्वेश्चन का जो है कि आखिर इतने हाई परसेंटेज होने के बावजूद भी आपके एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए, ऐसा क्या कारण है? ये सबसे बड़ा जो है क्वेश्चन मार्क आपके सामने है। आज हम इसी टॉपिक पे बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। देखिए, हाल ही में कई लोगों ने मुझे कमेंट किया, मेरे वीडियोस पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए हैं। लगभग 200 से 300 बच्चों ने लाइक भी किया है और 300 बच्चों ने आसपास कमेंट भी किया है। आज हम उसी सब के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद जो आपके सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल है, उस बेल को ज़रूर दबाएं। इससे मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएंगे, ताकि मेरे वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। चलिए टॉपिक की बात करते हैं और शुरू करते हैं वीडियो को। ये है मेरा चैनल दोस्तों, और सबसे पहले मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि फाइनली मेरे 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मुझे इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब बात करते हैं जो मेरा वीडियो है फ्रेंड्स। मेरे वीडियोज़ पे हम आज बात करेंगे, जो टॉपिक है मेरा उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं वीडियोस, ठीक है, कि कौन सी ऐसी वीडियो है जिस पे मेरा अच्छे व्यूज़ गए हैं। चलिए, मैंने ये है जो व्यू ऑल पे मैंने क्लिक कर दिया और ये मेरा जो है पूरा वीडियो सेक्शन जो है खुल के आ गया। जिस वीडियो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स, वो है वीडियो ये, लेटेस्ट अपडेट नेवी MR एडमिट कार्ड जिनका नहीं आया ज़रूर देखे। आज हम इसी वीडियो के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो पहले मैं आपको बता दूं मेरे चैनल पे कौन कौन से वीडियोस आपको मतलब मिल जाएंगे, मैं दिखा देता हूं। देखिए, मैंने कई सारे वीडियोस अपलोड करके रखे हैं, पुराना भी है, जिसमें से इंडियन नेवी इतने दिन में आ जाएगा परिणाम वगैरह है, नेवल डॉकयार्ड के बारे में है, नेवी इंडियन नेवी AA कट ऑफ है जो है, सॉरी MR का कट ऑफ है। यहाँ पर आपको SSR का कट ऑफ भी मिल जाएगा, इसमें आप वीडियो देखेंगे। इसमें बुक्स भी मैंने दे रखा है, कौन सी बुक पढ़ी है आप जिससे आप क्वालिफाई कर सकते हैं एग्ज़ाम, इस सब के बारे में मैंने इसमें वीडियो बना रखी है फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो जिसमें मेरे व्यूज़ आए थे। देखिए फ्रेंड्स, जो व्यूज़ आए थे वो मेरे सामने ये वीडियो है, मैं इस वीडियो को प्ले करता हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। मैंने वीडियो को खोल लिया है, ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद अब हम बात करेंगे इसी के बारे में कि आखिर ऐसा क्या कारण था जिसके कारण आपका एडमिट कार्ड नहीं आया। सबसे पहले कमेंट अपलोड हो गए हैं, ठीक है, अपडेट हो गए हैं कमेंट, और हम जो हैं कमेंट ही पढ़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। कमेंट में ही आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, आंसर मिलेगा, और देखा जाएगा कि कितने हाई परसेंटेज वाले बच्चे हैं जो जिनका एडमिट कार्ड जो है आखिर क्यों नहीं आया, क्या कारण है ऐसा कि नहीं आया, इसको मैं आखिरी में बताता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए सर, इसमें पहला जो कमेंट था, इसने हम डायरेक्ट सिर्फ परसेंटेज वाली बात करेंगे जिसमें परसेंटेज होगा। मुकेश कुमार ने परसेंट किया है कि जो क्वेश्चन किया है वो सर मेरा 87.17 है, पर मेरा जो थर्ड लाइन है वो रेड हो गया। थर्ड लाइन का मतलब हो गया कि आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, यानी आपका जो है ड्यू टू लो परसेंट आपका एडमिट कार्ड इशू नहीं किए गए हैं। यहाँ पर 68 हो गया, 87%। यहाँ पर अभी तक फिलहाल 87 जो हाईएस्ट मान के चलते हैं कि 87 वालों का भी परसेंटेज नहीं आया है, जो एडमिट कार्ड है वो नहीं आया है, ठीक है। 85.16 है। संतोष कुमार पटेल ने कमेंट किया है कि सर मेरा है, आप देखिए सर मेरा भी 97 है, यानी 97% वाले जो हैं उनका एडमिट कार्ड नहीं आया फ्रेंड्स, क्या आखिर कारण है? अब इसी कारण के बारे में बात करेंगे, बहुत ही जेन्युइन कारण है, और मैं आपको आपने ही गलती की है इसमें। हम बात करेंगे क्या नेवी की गलती है, नेवी में धांधली हुई है, क्या कुछ हुआ है, इसी के बारे में अभी बात करेंगे। मैं सब आखिरी में आपको बता दूंगा, पहले मैं कमेंट पढ़ लेता हूँ फ्रेंड्स, आप भी कमेंट देख सकते हैं। मैं कमेंट को थोड़ा बड़ा कर देता हूं, कमेंट सेक्शन को, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। मंसूर आलम खान ने लिखा है सर मेरा 89.3% है और मैं यूपी से हूं, सर मेरा भी एडमिट कार्ड नहीं आया सर। और आगे बात करेंगे 65% वाले यहां पर हैं, 85। देखिए अंकित सिंह मंदर हैं, वो उन्होंने लिखा है मेरा 85 है लेकिन शॉर्टलिस्ट ग्रीन है। शॉर्टलिस्ट तो ग्रीन ही होगा अगर आपका जब सारे डॉक्यूमेंट अपलोड सही से हुए हैं तो आपका एडमिट कार्ड मतलब जो है वो ग्रीन ही होगा शॉर्टलिस्ट वाला। फिर आप देखिए सो हाईएस्ट परसेंट सामने निकल के आ रही है वो 94, यानी 94% है और मेरा एडमिट कार्ड जो है एडमिट कार्ड आया है, यानी इनका 94 पे है जो आ गया है इनका एडमिट कार्ड, सॉरी 94 पे इनका एडमिट कार्ड आ गया है, इन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत बधाई हो कि आपका एडमिट कार्ड आ गया। 10th में इनका 86% है, यूपी से है, नहीं आया। 83% वाले नहीं आए, 93% वाला जो है इनका भी नहीं आया। देखिए 93.1% जो है इनका एडमिट कार्ड नहीं इशू किया गया है,
ठीक है फ्रेंड्स, 93 वाले अभी फिलहाल आपके पास 93 वाले हैं, 82 वाले हैं, 92.4 वाले हैं, 93 अभी तक हाईएस्ट गई है, 82 गई हाईएस्ट, 80.10 है, 92.4 वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये रही 78% वाले, और यहाँ पर चलिए अब अंत होने वाला है कमेंट का, और उसके बाद हम टॉपिक पे, मेन टॉपिक पे आ जाएंगे फिर से। 91% वाले, ये देखिए आप फ्रेंड्स जो है, आप अधिकतर देख रहे हैं 90 वाले जो हैं, उनका जो है कमेंट जो है आप पढ़ पा रहे होंगे कि मेरा जो है सर एडमिट कार्ड नहीं आया है, इतना हाई परसेंटेज होने के बावजूद भी मेरा जो एडमिट कार्ड नहीं आया। देखिए अभी जो हाल ही में कमेंट हुए हैं मैं दिखा देता हूँ, 82.8% वालों ने किया कमेंट, 85% वाले ने किया है, पुनीत पूनिया ने किया है कि मेरा 85% है, मैं राजस्थान से हूँ और मेरा क्या कट ऑफ है, मेरा एडमिट कार्ड नहीं आया। उन्होंने ये बताया सर मेरा 94% है, एडमिट कार्ड नहीं आया सर। चलिए अब हम बात करते हैं कि एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आपके एडमिट कार्ड इशू क्यों नहीं किए गए। देखिए कई लोगों ने फॉर्म भरा, सबने फॉर्म भरा, और अब हम डायरेक्टली अब यहाँ पर बात करते हैं जो एक मेन जेन्युइन चीज़ है, मैं उसके बारे में आज बात कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है कि आखिर कारण क्या रही है और आखिर क्यों एडमिट कार्ड जो है वो इशू नहीं किए गए। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम उसी के बारे में बात कर लेते हैं। और मैं अभी आपको गैलरी ओपन करके दिखा देता हूँ कि गैलरी में आपको मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास एक फोटो पड़ी हुई है, मैं दिखाता हूँ उसको। चलिए ये रही मेरे पास जो है एक स्क्रीनशॉट है, एक बच्चे ने मुझे सेंड किया है कि सर मेरा ये पुनीत पूनिया है जिन्होंने, जिनका है ये, मतलब जो इनका स्क्रीनशॉट है ये पुनीत पूनिया का है, और इन्होंने मुझे अपना स्क्रीनशॉट भेजा और बताया सर कि मेरा जो ये देखिए ये है बिहार से, और ये मैं अगर मुझे कोई अगर अभी फिलहाल मैं अब सामने रिजल्ट देख रहा हूँ, मेरे पास सच्चाई सामने है तो मैं विश्वास कर ले रहा हूँ, वरना अगर कोई कहे कि बिहार की इतनी हाई कट ऑफ गई है तो मैं मान नहीं सकता था फ्रेंड्स। क्योंकि बिहार मतलब यहाँ पर एग्ज़ाम वगैरह जो है फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से हुआ हुआ, पिछली बार आप जान रहे हैं 50% अटेंडेंस रहा है, जिसके कारण मतलब एडमिट कार्ड वगैरह मतलब कई बच्चों के जो हैं मतलब आ जाते थे, इतने लो मतलब जो मेरिट है बहुत लो जाती थी, लेकिन इस बार हाई क्यों चली गई फ्रेंड्स, मैं उसी के बारे में बात करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स इसमें जो है मान लीजिए 500 नंबर के क्वेश्चन किए, इसने 93% इनके एडमिट कार्ड जो है इशू नहीं किया गया। मैं गलती बताता हूँ कहाँ गलती हुई है, गलती हुई है फ्रेंड्स सीबीएसई बोर्ड वालों से, यानी सीबीएसई बोर्ड की जिनकी मार्कशीट है फ्रेंड, कुछ लोगों ने तो सही भरा, नहीं तो कई लोगों को यही नहीं पता कि हम अपने मार्कशीट का जो है कन्वर्जन कैसे करें फ्रेंड्स, ये नहीं पता है, जिसके कारण उन्होंने गलती किया। जिनके 10 CGPA हैं, जिनके 9 CGPA हैं फ्रेंड्स, उन्होंने गलती क्या की जानते हैं फ्रेंड्स, उन्होंने गलती ये कर दी है कि जो टोटल मार्क में 10 10 भर दिए, यानी वो 10 CGPA भर दिए टोटल मार्क में, उन्होंने ना उसको कैलकुलेट किया ना कुछ किया, बस डायरेक्टली उसमें टोटल मार्क में 10 भर दिया, और जो ऑप्टेन मार्क है फ्रेंड्स उस ऑप्टेन मार्क के सेक्शन में अगर 9.2 CGPA है तो मेरे ख्याल से पॉइंट वाला जो है सिस्टम वो नहीं लेता है, पॉइंट को वो नहीं लेता है, जिसके कारण वो क्या कर दिए, अगर जिनका 9.2 CGPA है तो वो 9.2 कर देते थे, या फिर 9 लिख देते थे, या फिर जो भी मतलब, या फिर 10 डाल देते थे फ्रेंड्स, 9.2 से तो 10 डाल देते थे, इससे क्या हो जाता था 90 90 हो गया, 100 हो गया। अगर मान लीजिए कोई बच्चा 10 पाया है फ्रेंड्स, ठीक है 10 पाया है, और किसी ने पाया मान लीजिए 10 में से आपने 9 पा लिया, तो इसका मतलब 90% हो गया फ्रेंड। यही इन्होंने कई गलती की है, जिसमें टोटल मार्क में 10 भर दिया और 10 मार्क में 9 भर दिया, इस तरह से बहुत बड़ी गलती सामने यही आ रही है, जिसके कारण एडमिट कार्ड इतने हाई कट ऑफ हर सेंटर से है जो है हाई कट ऑफ मतलब इस बार कही है फ्रेंड्स। कन्वर्जन सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी ना होने के कारण इतनी बड़ी गलती की गई है फ्रेंड्स, और नेवी वाले भी खुद भी दंग हैं, इसलिए शायद अभी तक वो कंफ्यूज है कि आखिर क्यों एडमिट कार्ड नहीं आया, इशू हुआ, कई जगह पर लिंक नहीं शेयर हुए हैं इसके, जिनके जिनके आईडी है सिर्फ उन्हीं के आईडी पे इनकी इनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंड कर दी गई है फ्रेंड्स। ठीक है ये रही बात की जो है कि उन्हें एडमिट कार्ड इशू किए गए हैं, ये सबसे बड़ा कारण था फ्रेंड्स। ठीक है इसमें नेवी वालों की कोई गलती नहीं है, जैसा जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उस जगह पर, जितने अप्लाई किया है उन्होंने गलती की होगी एक जगह पर, एक मतलब तय किया गया होगा कि हाँ मुझको एक मिनिमम स्टैंडर्ड होता है कि हाँ इतने बच्चों की जो बुलाया जाएगा। अब जैसे मान लीजिए जो मैंने बताया था सीबीएसई वाले भर दिए फॉर्म 10 और 9 कर दिया 90 वाले परसेंट, 10 बच्चे पहुँच गए, उनको 2 बच्चे चुनने हैं, तो 90 वाले बच्चे तो हैं लेकिन अब उनको 2 बच्चे चुनने हैं तो 90 के एबव ही तो लेगा,
90 से जो है अब जो 2 बच्चा सबसे तेज होगा उसी को ले लेगा जो इसका परसेंटेज हाई है। इसी तरह से कई जगह से कटअप गई है। राजस्थान की बात कर लेते हैं, यूपी की बात कर लेते हैं, हम बिहार की बात कर लेते हैं, तो बिहार की तो आपको सामने आ गई 93 पे नहीं आया, तो यानी इसका जो है परसेंटेज है वो 93% के ऊपर ही आपका परसेंट गया है। उसके बाद यूपी की भी है वो 92 के आसपास मेरे ख्याल से परसेंटेज गई है, राजस्थान की भी 92 के ऊपर ही है, और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उसकी भी 92 के अप्रॉक्स ही जो है कट ऑफ हर जगह से हाई गई है फ्रेंड्स। ठीक है, यही कारण था फ्रेंड्स, इस पे मैंने वीडियो बनाया, मैंने आपको बताने की कोशिश की थी, मैंने इस वीडियो को पहले भी बता दिया था, इस वीडियो मतलब पिछले वाले वीडियो में मैं बता रखा था कि हाँ इतनी हाई परसेंटेज क्यों गई है, आखिर क्या कारण है। मैंने इस पे आप देखिएगा, जब मेरा पुराना वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, उसमें एक वीडियो जब एक सीन आएगा जिसमें आपको दिखेगा कि मैं बता रहा हूँ कि किसी ने 10 भर दिया और किसी ने 9 भर दिया। एक बच्चे का मैंने खुद देखा इसको और मैंने बात की है तो पता चला कि यही सबसे बड़ा कारण था फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड्स, तो कमेंट ज़रूर दीजिए, वैल्यूबल कमेंट जो है आपके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, जिससे मुझे प्रेरणा मिलती है और कुछ नया करने की जो है प्रोत्साहन मिलता है, और मुझे पता तो चलेगा कि हाँ आप मेरे मुझे क्या बताना चाहते हैं, मुझे किस टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँ, इस सब के बारे में मुझे बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, कीप शेयरिंग फ्रेंड्स एंड थैंक यू इतना सपोर्ट करने के लिए।